यस, गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग दीपक. हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग तियाशा. फाइन गुड. यस, हैप्पी महालया टू यू ऑल्सो, टू ऑल बच्चास. थैंक यू. मैम, आज तो क्लास भी नहीं होना चाहिए था। विश्वकर्मा पूजा भी है, महालया भी है, फिर भी क्लास हो रहा है। वो देखिए ना, अब आई एम एंड यू एम, वी आर बाउंड बाय राजस्थान गवर्नमेंट हॉलीडेज. तो आई एम एंड यू एम कोलकाता इज हैविंग हॉलीडे, अच्छा बट मैम, राजस्थान के. तो महालया को छोड़ देती हूँ। विश्वकर्मा पूजा पूजा तो है ना, तो मोबाइल भी एक इंस्ट्रूमेंट है। तो जब मैकेनिकल वर्कशॉप में सबका पूजा होता था, तो कंप्यूटर लैपटॉप उसका भी पूजा होता था, उसके हिसाब से तो मोबाइल को भी रेस्ट देना चाहिए। क्लास क्यों हो रहा वैलिड वैलिड क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चन. बट पूजा करके इसको प्रेस कर दो कि आज मीटिंग लिंक की पूजा कर ली है, और देन यू आर क्लिकिंग. वो याद करके, पूजा करके. पूजा इज देयर एंड इट इज गोइंग टू स्टार्ट एट 2:30 इन द कैंपस इटसेल्फ. तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी देयर टू सी द लाइव प्रोग्राम. ओके, बहुत छोटा प्रोग्राम है, इट इज ब्रीफ प्रोग्राम, बट उसके बाद क्लासेस नहीं है आपकी. तो 2:30 तक, अभी जैसे एक लंच से पहले हो जाएगी अब आपकी, एक लंच के बाद हो जाएगी. बट स्टूडेंट स्ट्रेंथ इज क्वाइट लो. यशा, व्हाई ज्योतिर्मय इज नॉट ज्वाइनिंग? व्हाई, व्हाट व्हाट इज ही अप टू? यस, वो क्या कर रहा है? उसका घर पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, काम चल रहा है, तो घर पे अकेला, मतलब बेटा है बड़ा, उसका बहन बहुत छोटा है, तो जो भी काम हो रहा है उसको संभालना पड़ रहा है, तो इसीलिए वो आ नहीं पा रहा है। तो बोला था कि इन्फॉर्म कर देगा एग्जाम के पहले, और आज तो विश्वकर्मा पूजा है और उसका पापा का फैक्ट्री में पूजा है, तो खुद का बिजनेस है उसका पापा का, इसलिए उसको जाना पड़ा, तो ओके इसलिए ओके, तो क्लास नहीं कर रहा है वो। हाँ, सेम और हिम टू उसके बी ऊपर रेगुलर. वो हाँ प्रोजेक्ट भी कर रहा है बहुत सारा, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को लेकर, तो इसीलिए उसको हाँ थोड़ा वो दैट आई केम टू प्रॉब्लम हो नो. रहा है। हाँ, उसने उसे हाँ ऐप डिवाइस की है. हाँ, हाँ ज्योतिर्मय इज गाइडिंग देम, इट इज गुड. यस, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर टेकिंग सो मच इंटरेस्ट एंड इट इज गुड गुड प्रैक्टिस, आई लेकिन वो बिलीव. एग्जाम दे देता है टाइम से। अगर उसको हाँ इन्फॉर्म कर देती हूँ कि अभी एग्जाम दे दो, तो एग्जाम दे देता है, लेकिन क्लास करना उसके लिए टफ हो जाता है बहुत, क्योंकि घर पे तो अगर उसका कोई बड़ा बहन थोड़ा बड़ा होता, उसका बहन अभी क्लास 3 में है, तो वो ओ, भी कुछ नहीं कर सकती है, तो इसीलिए उसका बहुत प्रॉब्लम हो गया है। बट उसको बोलो रेगुलरली एटलीस्ट 1 or 2 क्लासेस इन ए वीक ही मस्ट अटेंड. अब तो बोलती हूँ बिना लेकिन सुनता कौन है उसका, तो मतलब वो बोलती है तू अगर मेरे घर पे आके देखेगी, मैं मेरे सर पे कितना काम है, तब तेरे को पता चलता। अगर फिजिकली क्लास होता तो मैं अटेंड कर लेता, क्योंकि घर पे जो काम है मेरे को संभालना नहीं पड़ता था, पर पापा का भी हालत ठीक नहीं है अभी। स्टोन, उसका ओके, पापा का ग्लॉड स्टोन आया गॉट था ब्लड. ग्लॉड ब्लडर में। हाँ, ओ तो इसीलिए उसका पापा का भी प्रॉब्लम होता है, तो सब उसको ही करना पड़ता है। तो मैं ओके तो ओके कोई कुछ भी बोलेगा तो वो फिर भी नहीं कर पाएंगे इसीलिए। ओके, हाँ बट मैम, वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव फिजिकल क्लासेस, वेरी वेरी सून. मेरे ख्याल से देर इज ए सेंट्रल गाइडेंस दैट वी आर गोइंग टू ओपन अप आर कैंपस फ्रॉम 21 सितंबर. मे बी फॉर फ्यू टीचर्स, फ्यू लेबोरेटरी स्टाफ, बट बिलीव यू मी, आफ्टर दुर्गा पूजा इट वुड बी ओपन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स ऑल्सो, राइट? लेट अस वेट एंड वॉच फॉर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन. मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल में इट इज वेरी मच क्लियर कि 21 से गवर्नमेंट हैज गिवन एन इंस्ट्रक्शन. अब कैसे ओपन होता है, पार्शली ओपन होता है, दैट थिंग नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ टिल द वैक्सीन इज नॉट सर अवेलेबल. मैम, वेस्ट बट बंगाल में मेरा वेरी मम्मी सून का, वी आर गोइंग टू मीट. हाँ मेरा मम्मी जो स्कूल में है, उन लोगों को स्कूल में बोल दिया है कि 22nd से स्कूल जाना है, क्योंकि स्कूल खुलेगा 30 सितंबर के बाद, लेकिन हॉस्टल खुल जाएगा 21 सितंबर के बाद, तो स्टूडेंट्स ट्रू, आ जाएगा, तो बोला है कि तुम लोगों को स्कूल आना है 21 यस. सितंबर के बाद। टीचर्स टीचर्स विल बी अवेलेबल, वही मैं बोल रही हूँ कि टीचर्स एंड स्टाफ विल बी अवेलेबल. स्टूडेंट को थोड़ा सा टाइम दे के फिर बुलाएंगे टिल द सिचुएशन जस्ट चेक्ड आउट इन 2 weeks or 3 weeks टाइम. मे बी आफ्टर दुर्गा पूजा यू ऑल विल बी वेलकम्ड इन द डिपार्टमेंट फिजिकली, राइट? एंड दिस सेमेस्टर मे बी इट इज गोइंग टू बी बिट डिलेड, राइट? So you need not to take any tension in terms of online versus offline classes. Very, very soon we are going to meet up. Very, very soon. Be positive and stay positive. We are going to meet very soon. Okay?
ओके सो लेट अस डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास. एनीबडी प्लीज लेट मी नो व्हाट वाज द टॉपिक. यस इन लास्ट पेयर मिस्टेक ओके योर वेरी गुड पार्टनर से. वेरी गुड वेरी गुड. सो इन द लास्ट फ्यू लेक्चर्स दैट टॉपिक वाज डिस्कस्ड दैट इज प्री कंसेंट. व्हेन कंसेंट इज नॉट कंसेसस एंड एडम. जैसे मैं एक वर्ड बोलती हूँ अंडरस्टैंड दिस आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट कंसेसस एड इडम. यस लुक एट दिस वर्ड. दिस इज अ लैटिन वर्ड विच इज डिफाइनिंग प्री कंसेंट कि देयर मस्ट बी सेम थिंकिंग बाय द सेम पार्टीज इन द सेम मैनर कि इट हैज टू बी वेरी मच क्लियर कि पार्टीज कौन सी होंगी वो भी क्लियर होना चाहिए. क्या डीलिंग का ऑब्जेक्ट होगा वो भी क्लियर होना चाहिए. कंसीडरेशन क्या होगी वो भी क्लियर होनी चाहिए. कंसेंट उनकी फ्री होनी चाहिए. इट्स नॉट हैव फाइव एलिमेंट्स इन इट. बिलीव यू मी कि जब आप कंसेंसस एड इडम की बात करते हो तो कंसेंट इज सेट टू बी फ्री. बट कब कब कंसेंट इज सेट टू बी फ्री एक्सेप्ट इन फाइव सिचुएशंस. जो पांच सिचुएशन मैंने आपको करवाई हैं उनमें कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाएगा. कौन कौन सा? कोर्जन, जब कोई अपना फिजिकल फोर्स यूज करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है. अनड्यू इन्फ्लुएंस, जब कोई अपनी पावर को मिस यूज करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है. मिस रिप्रेजेंटेशन सॉरी फ्रॉड, जो कोई चीटिंग करके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है वो बता के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है. मिस रिप्रेजेंटेशन, जब कोई इनोसेंटली चीटिंग करके फैक्ट्स एंड फिगर बता के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है. एंड मिस्टेक, जब किसी को नॉलेज ही नहीं है और फिर भी वो अपना ओपिनियन दे के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है. दैट इज कॉल्ड नॉन प्री कंसेंट. इन पांचों केसेस में कंसेंट इज नॉट प्री, रेदर इट इज बायस्ड. बायस्ड का मतलब एक तरफा. वो पर्सन ने उसको विश्वास में करके कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. तो इट इज नॉट फ्री. कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी फ्री व्हेन बोथ आर नोइंग अबाउट द आइटम, नोइंग अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड देन दे आर साइनिंग ऑन द एग्रीमेंट. बट इफ दीज फाइव मैकेनिज्म्स आर अडॉप्टेड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सेट टू बी फ्री. याद रखिएगा, कोअर्जन में, अनड्यू इन्फ्लुएंस में, मिस्टेक, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन पांचों में कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी वॉइडेबल क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड. वैलिड कब होता? जब फ्री कंसेंट होती. फ्री कंसेंट कब होती? जब ये पांचों चीजें उसको प्रभावित ना कर रही होती. कौन कौन सी? मैं फिर रिपीट कर रही हूँ. कोअर्जन, जब आपने अपनी फिजिकल फोर्स यूज करके उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है. तो पर्सन इज साइनिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दे आर फोर्सिंग. इट इज एट द गन पॉइंट. सो गन पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोन एज कोअर्जन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दे आर नॉट फ्री. अनड्यू इन्फ्लुएंस, जब आपने उसको मेंटल ट्रॉमा में ले आए, मेंटल प्रेशर दे दिया, जब आपने अपनी पोजीशन को मिस यूज कर लिया, तब उसने साइन किया अगर कॉन्ट्रैक्ट पे, इट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. जब आपने कोई चीटिंग करी, जब आपने कुछ गलत बताया, जब आपको पता है कि आप चीटिंग कर रहे हो, ऑल दैट इज बेसिकली योर फ्रॉड. लेट मी शो यू वन वीडियो. राइट, इट इज देयर ऑन टू माई व्हाट्सएप. आई गॉट इट एंड इट इज कम्प्लीटली कम्प्लीटली फ्रॉड. लेट मी टेल यू अबाउट दैट वीडियो. लेट मी शो यू. राइट, सो दैट फ्रॉड मस्ट बी क्लियर. ओके, आर यू एबल? जस्ट अ मिनट. जस्ट ए मिनट, लेट मी प्रेजेंट माई स्क्रीन. राइट, ऑल ऑफ यू प्लीज सी इट एंड यू विल बी इजिली अवेयर दैट ऑल दीज आर नथिंग बट द फ्रॉड. ओके, यस, नाउ माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल. सो यस, लुक एट दिस.
यस, इट इज स्टॉप्ड इन मिडवे, बट व्हाट एग्जैक्टली दिस मैन इज डूइंग, राइट? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज अप टू. प्लीज टेल मी इफ इट इज नॉट क्लियर विद दिस एग्जांपल. यस, इज इट क्लियर टू ऑल? यस तो बेसिकली दिस इज फ्रॉड, चीटिंग, कंप्लीट चीटिंग यूजिंग द डिसऑनेस्ट. यस, इट इज फ्रॉड, इट इज फ्रॉड, राइट? सो वट एवर वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट दिस, वी हैव टू बी एंश्योर्ड एवरी टर्म एसोसिएटेड विद दीज फाइव. आप कंफ्यूज नहीं होंगे. कोअर्शन जब बोल दिया तो कोअर्शन इज समथिंग कमिटिंग थ्रेट. आपने उसको फोर्स यूज किया, फिजिकल फोर्स यूज किया, या गन पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉर्मली कोअर्शन कॉन्ट्रैक्ट्स. अंडर इन्फ्लुएंस जब आप अपनी पावर को यूज कर रहे हो गलत तरीके से, दैट मीन्स मिस यूज ऑफ पावर, फ्रॉड, कंसीलमेंट, चीटिंग, डिसऑनेस्टी, नॉन लॉयल्टी. जब ऐसे मैकेनिज्म अडॉप्ट करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हो तो दैट इज फ्रॉड. मिस रिप्रेजेंटेशन, इनोसेंट फ्रॉड, राइट? हल्का सा डिफरेंस आ गया. Innocently, you are believing whatever I am telling is right. So, Speak Asia company was a fraud, but the members were from the public only. So, they were spreading the news that I have got 4,000 by making a member. You will make a member, your account will be credited. So, galat information to bata raha hai, but very innocently. Usko lagta hai ki wo theek hai, wo theek bata raha hai. तो एज एन एग्जाम्पल आप समझिए कि कितना कम डिफरेंस है. कंपनी इटसेल्फ इज ए फ्रॉड, राइट? और उसके बाद अगर आज इस एग्जाम्पल में जैसे वो कह रही है कि सर आप हमें एक ट्रेवल कोड बताइए, वो बता रहा है तो दिस इज फ्रॉड, शी नोज अबाउट इट. वो पर्सन को अगर ऑस्ट्रेलिया टिकट मिल जाती है और वो आगे किसी को बताता है तो दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन. तो फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन में इंटेंशनल चीटिंग एंड इनोसेंट चीटिंग का डिफरेंस आ जाएगा. अगर आपने इनोसेंटली किसी को चीट किया है तब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है तो इट इज मिस रिप्रेजेंटेशन. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मिस्टेक. मिस्टेक मीन्स यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग एंड स्टिल यू आर गिविंग योर ओपिनियन. आपको आइडिया नहीं है, आप अपना ओपिनियन दे के उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हो, इट इज मिस्टेक. तो इन पांचों सीनेरियोज में कंसेंट इज नॉट सेट फ्री. Yes, any doubt to anyone? No, ma'am. No. Okay. So let us talk about new topic today, that is agreement with unlawful object. This is something that you should know. What are those objects which are not going to have any implication in the law? These objects are clearly unlawful, illegal in the eyes of law. So section 23 always states that whatever contract you will sign, so A and B are entering into a contract, object must be legal, right? Chain has to be moving like this, legal. Koi aisa contract, jaise RIA case, in this very time, it is unlawful. It is very, very wrong to have a drug without the permission of the doctor, moving into the drug peddler and supplying it to the particular parties. It is unlawful. So all those sections are being leviable. All those sections are nothing but unlawful object. अगर आप किसी भी person के साथ contract करते हो जो कि आपका unlawful है, illegal है, बताया हुआ है law में, so that is basically when you talk about agreement unlawful object. So it is forbidden by law and it is such nature that would defeat the provision of any law. So it may be fraud, so it may be immoral, it may be against the public policy. So ye sare jo words main bata rahi hu, these are the objectives and motives of illegal nature. So agar let me tell you in a point wise, if any contract is against IPC, it is illegal. Let me tell you, अगर कोई इंडियन पेनल कोड की प्रोविजन या धाराएं तोड़ता है तो वो इलीगल माना जाएगा. अगर कोई, जस्ट ए मिनट, यस, इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी देन ऑल्सो इट इज अनलॉफुल. प्लीज अंडरस्टैंड.
पब्लिक पॉलिसी का मतलब, अब आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अपने जो जितना भी सेटअप है वो वहां पे लगा सकती है जहां पे या तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो या फिर वहां पे पॉपुलेशन 10,000 से कम हो, नहीं तो धुआं जो है उनका चिमनी से ऊपर उठ के लोगों की सेहत को, लंग्स को खराब करेगा। कुछ कुछ ऐसे रूल्स बने हुए हैं जो पब्लिक के फेवर में है। यू कैन नॉट स्मोक इन द पब्लिक प्लेस, वेरी कॉमन। आपने कभी देखा होगा कि देर इज अ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन टू पर्सन, हाउ यू आर स्मोकिंग ओवर हियर, यू आर नॉट सपोज टू बी, कोई भी ऐसा, अगर आपका ऐसा इंटेंशन है दैट यू आर ब्रेकिंग पब्लिक पॉलिसी, देन दैट इज ऑल्सो अनलॉफुल। अब वट इज पब्लिक पॉलिसी? पब्लिक पॉलिसी इज बेसिकली प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन, इट इज बेसिकली प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल एट लार्ज। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें बना रखी है जिसमें हमारा इंटरेस्ट वेस्टेड है, वो काम वहां पे नहीं होना चाहिए। अगर आज कोई स्मोक कर रहा है पब्लिक पॉलिसी पे, अकॉर्डिंगली एनी पर्सन फ्रॉम द पब्लिक कैन स्पीक अप, यू कैन नॉट स्मोक ओवर हेयर, अदरवाइज यू विल बी लेवीएबल ए फाइन, आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो, पुलिस इज देयर टू रिकॉर्ड दैट स्टेटमेंट। सो इनिशियली व्हेन यू टॉक अबाउट सर्टेन टर्म्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लुक एट दिस एफआईआर एंड एंड लेट मी टेल यू, पब्लिक पॉलिसी के रेफरेंस में ही है ये एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आपने अगर ऐसे कोई ऑफेंस का इंफॉर्मेशन देना है, रिकॉर्ड करना है, इट इज एफआईआर। ऑन द अदर हैंड वी हैव एनसीआर आल्सो, नॉन कॉग्निजिबल। अगर कोई बहुत अपराध गंभीर है तो उसके लिए एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, उसके लिए एनसीआर होगा। तो ऐसे ही अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स आर बेसिकली जब कोई आईपीसी की प्रोविजन तोड़ता है, जब कोई लॉ की प्रोविजन तोड़ता है, जब कोई पब्लिक पॉलिसी के अंगेंस्ट जाता है, ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स आर बेसिकली अंगेंस्ट एंड दे आर इनलीगल एंड अनलॉफुल। रिमेंबर, जहां पे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, अनलॉफुल कंसिडरेशन होगा, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड होंगे, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज अगर रिया फंस रही है, कोई ड्रग पेडलर फंस रहा है, ऑल ऑल आर गिल्टी, ऑल आर नॉट नॉन चैलेंजेबल। आप उनको जो है चैलेंज नहीं कर सकते। प्लीज अंडरस्टैंड, इफ रिया इज गिविंग अ स्टेटमेंट कि आई वाज गिविंग टू सुशार, स्टिल इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, स्टिल इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लॉ विल नेवर टेक अ साइड ऑफ रिया इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द वर्क डन एंड गेटिंग द जेल डन और रिड्यूसिंग द फाइन। No, it is voidable, it is void, completely void. Yes, बच्चे, is it clear? Yes. Yes, ma'am. Okay. So Yes, ma'am. what are those agreements which are not? Yes. Look at this. With the example I have tell you, anything which is forbidden by law, forbidden मतलब मना किया हुआ है, law ने मना किया हुआ है. If you are giving a bribe to get a job, it is forbidden by law. If you are selling any pirated movie CDs, it is forbidden by law. So forbidden by law में अगर आप ऐसा काम कर रहे हो किसी के साथ मिलके, तो it is an illegal object. या it is defeating the provision of any law. अगर ये fraud का केस है, अगर ये किसी को harm पहुंचाने का केस है, अगर ये immoral, unethical है, right? Unethical. तो all those points are basically, या ये public policy के against है, all this is basically illegal. So all this is illegal, which examples we have given you, illegal purpose. इसको हम क्या बोलेंगे? Illegal purpose या illegal object. So अगर illegal है, all the contracts are of void nature, completely void. वो जो है उसको कोई भी valid नहीं बना सकता. आप चाहे उसमें consideration involve करो, चाहे आपकी capacity ठीक है, but अगर object गलत हो गया तो contract void बनेगा ही बनेगा. तो पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, नॉट ब्रेकिंग द प्रोविजन ऑफ द लॉ, नॉट फॉरबिडन बाय द लॉ. मतलब लॉ ने उसको मना ना किया हो, राइट? ऑल दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल. ऑल दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर ब्रेकिंग द लॉ प्रोविजन आर इलीगल. सो इलीगल पर्पज कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड इन नेचर. इज इट क्लियर बच्चे? यस मैम. ओके ओके. व्हाट आर अनलॉफुल एग्रीमेंट्स? नाउ लुक एट दिस अनलॉफुल एग्रीमेंट. अगर आपने किसी को बोल दिया कि तुम शादी नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ, सो दीज काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर अनलॉफुल. तो जैसे ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होता है, ऐसे कुछ एग्रीमेंट्स भी अगर आपने साइन कर भी लिया, आपने उससे ये लिखवा लिया कि यू विल नॉट मैरी फॉर द होल लाइफ, दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट इज अनलॉफुल.
बनता ही नहीं है। सो अनलॉफुल एग्रीमेंट का मतलब है कि जहां पे देर इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब इनफोर्सिबिलिटी तो होगी ही नहीं ना, क्योंकि लॉ ही इनको मना कर रहा है। इनफोर्सिबिलिटी के बिना वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट है, वो एक मेयर पेपर ऑफ पेपर है आपके लिए, मेयर पीस ऑफ पेपर है वो, क्योंकि वहां पे ऑफर भी है और एक्सेप्टेंस भी है। मान लीजिए दो पर्सन ऐसे एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि मैरिज नहीं करेंगे, तो मैरिज जिंदगी भर नहीं करोगे, तो दैट इज ओनली एग्रीमेंट एंड दैट टू अनलॉफुल, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अगर आपने किसी को बोल दिया कि तुम जिंदगी भर काम नहीं करोगे, व्यापार नहीं शुरू करोगे, राइट, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है उसको आपने वंचित कर दिया, आप वो काम, वो वाला काम नहीं कर सकता, आपने मना कर दिया, आपने कोई ऐसा काम उससे कहा कि जिंदगी भर तुम ट्रेड नहीं करोगे, व्यापार नहीं करोगे, वो भी अनलॉफुल है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, मेरे खिलाफ कभी भी लॉ में आवाज नहीं उठाओगे, वो भी अनलॉफुल है। तो ऑल दीज आर अनलॉफुल एग्रीमेंट। ओके बच्चे, अनलॉफुल एग्रीमेंट मीन्स इट इज ओनली ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेड बाय बोथ बट दे आर अनलॉफुल इन द आईज ऑफ लॉ। किसी को मैरिज के लिए रोकना, किसी को व्यापार के लिए रोकना, किसी को ये कहना कि तुम मेरे खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते, ऑल दिस इज नथिंग बट अनलॉफुल एग्रीमेंट। इज इट क्लियर? यस यस मैम। यस ओके ओके। तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड अनलॉफुल एग्रीमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब पर्पज, कि आपका पर्पज ही गलत था। पर्पज किन किन सिचुएशन में गलत होगा? तीन सिचुएशन में। अगर आप आईपीसी के अंगेंस्ट चले गए, इंडियन पेनल कोड की धारा कोई तोड़ दी, आप पब्लिक पॉलिसी के अंगेंस्ट चले गए, आपने पब्लिक पॉलिसी का हित, पब्लिक का हित में ध्यान नहीं रखा। तीसरा, जब आप लॉ की कोई प्रोविजन तोड़ते हो, तो वो वाला पर्पज इज इलीगल। ऐसे ही एग्रीमेंट कब इलीगल होगा? वो भी तीन सिचुएशन में। आपने किसी को मैरिज के लिए वंचित कर दिया, आपने किसी को व्यापार करने के लिए वंचित कर दिया, या आपने उससे ये कह दिया कि तुम मेरे खिलाफ कभी भी कार्रवाई नहीं करोगे। ऑल दीज थ्री आर बेसिकली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इलीगल अनलॉफुल एग्रीमेंट। ऐसे एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करते। करवाने के बाद भी अगर आप ये कहो कि यस इसने अपनी मर्जी से साइन किया था, स्टिल इट इज अनलॉफुल। एम आई क्लियर? ये तीनों सिचुएशन क्लियर है। तो अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव कब कब होगा? फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, जब वो लॉ के अंगेंस्ट होगा, जब आईपीसी के अंगेंस्ट होगा, जब वो पब्लिक पॉलिसी के अंगेंस्ट होगा। इलीगल या अनलॉफुल एग्रीमेंट कब होगा? जब वो मैरिज से वंचित करेगा, ट्रेड से वंचित करेगा, या कानूनी कार्रवाई से वंचित करेगा। इन तीनों के केस में वो अनलॉफुल एग्रीमेंट है। एनी डाउट? नो ओके ओके ओके। वेजर कॉन्ट्रैक्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस। दिस इज काइंड ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय टू पार्टीज आर गोइंग टू हैव ए कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट अपॉन फ्यूचर सिचुएशन, फ्यूचर सिचुएशन विच मे और मे नॉट बी पॉसिबल। दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी कब? जब कोई फ्यूचर में वो चीज होगी या नहीं होगी, मे बी पॉसिबल और मे नॉट बी पॉसिबल। बाजी लगाना, बाजी ठहराव वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को बोलते हैं वेजर कॉन्ट्रैक्ट, बाजी, राइट? बाजी आपने वर्ड बहुत कॉमन सुना होगा कि सट्टेबाजी। नॉर्मली इंडिया जीतेगी। लेट्स टेक दिस कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भी इंडिया जीतेगी, मेरा इतना पैसा लगा दो। सट्टेबाजी, सट्टेबाजी, इंडिया विल विन। इंडिया हार गई, इंडिया जीत गई, दीज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर बेसिकली फ्यूचर सिचुएशन, जो कि आगे डिपेंड करेगा। कॉन्ट्रैक्ट आज ही कर लिया, पैसा आज ही लगा दिया फोन पे कि इंडिया जीतेगी, अभी जो है युवराज का सिक्सर लगेगा, लगा दो इतना पैसा। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बाजी ठहराव बोलते हैं इसको, वेजर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कि आपने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा अगर ये जीत गया, और हार गया तो तुम हो। तो एक पार्टी विन होगी, एक पार्टी लूज करेगी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वेजर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो वेजर कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल की यूज करती हूँ कि ए ने बी को बोला कि कल जो मैच होने वाला है उसमें इंडिया जीतेगा, मेरे लगा दो 50,000 रुपए।
अब अगर इंडिया जीत गया तो बी उसको 50,000 और देगा, यानी कि लाख, प्लीज अंडरस्टैंड। और अगर इंडिया हार गया तो ए के पास कुछ भी नहीं आएगा, 50,000 उसके अकाउंट में चला जाएगा बी के अकाउंट में। तो शर्त नहीं होती, शर्त लगा ली, बाजी जीत ली। तो ऑल दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेगर कॉन्ट्रैक्ट्स, वेयर बाय फ्यूचर में वो हुआ नहीं हुआ, वो सही हो गया वो गलत हो गया, दीज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेजर कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आज रेसलिंग मैच देखने जा रहे हैं, मैंने आपको बोला कि ये रेसलर नंबर वन जीतेगा, ये पर्सन जीतेगा, लगा लो शर्त, दूसरा कहता है ये जीतेगा। तो जहां शर्त लग गई, बाजी ठहराव, प्लीज अंडरस्टैंड, दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड वेजर कॉन्ट्रैक्ट्स। वेजर कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज ऑफ ए चैलेंजिंग नेचर फॉर द फ्यूचर सिनेरियो विच मे और मे नॉट हैपन, यानी कि कुछ होगा तो पैसा मिल जाएगा, नहीं हुआ तो नुकसान हो जाएगा। एक का फायदा दूसरे का नुकसान बनेगा, दूसरे का फायदा पहले का नुकसान बनेगा। दिस इज काइंड ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज वेजर कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? यस, मीनिंग इज क्लियर। यस मैम। लुक एट द प्री रिक्विजिट्स, यस लुक एट दिस प्री रिक्विजिट्स, क्या क्या होगा? टू पर्संस, दोज आर रिगार्डिंग अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। अनसर्टेन मीन्स जीतेगा, इंडिया जीतेगा, अभी तो 50 ओवर्स खेलेगा, उसके बाद जाके पता चलेगा जीतना है या हारना है। 50 ओवर्स खेलने के बाद दूसरी टर्न आएगी, दूसरी क्रिकेटर टीम की टर्न आएगी, वो खेलेंगे, फिर उसके बाद पता चलेगा। तो दिस इज अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, नो कंट्रोल ओवर द इवेंट। यस, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इट इज अ चैलेंज। मैंने कह दिया कि इंडिया जीतेगी, आपने कह दिया पाकिस्तान जीतेगा, तो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ 6-7 आवर्स वी हैव टू वेट, वी हैव टू वेट एंड डिपेंडेंट अपॉन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कोई कुछ नहीं कर सकता, आप और मैं अगर इससे कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो ना तो मेरे कहने से इंडिया जीतेगा और ना ही आपके कहने से पाकिस्तान जीतेगा। इट इज समथिंग डिपेंडेंट अपॉन द प्लेयर्स, देयर मस्ट बी रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यस, चैलेंजिंग होना चाहिए। मैंने कह दिया इंडिया जीतेगा, आप चुप हो तो दिस इज नॉट ए वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। आपने कहा नहीं 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 पाकिस्तान जीतेगा, तो प्रॉमिस टू ईच अदर, लगी शर्त। नॉर्मली हम फ्रेंड्स में बहुत ऑफनली यूज करते हैं, मतलब अभी जो है जैसे आप कोई कोई भी शर्त, दिस इज समथिंग वेरी कॉमन इन इन पीयर ग्रुप कि हैव ए बेट, हैव ए चैलेंज। सो दैट काइंड ऑफ बेटिंग कॉन्ट्रैक्ट, आपने आपने बेट वर्ड इज वेरी वेरी कॉमन। सो बेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, BETTING, बेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर नथिंग बट वेजरिंग एग्रीमेंट्स एंड अदर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप दोनों के बीच में डील हुई है, यू आर ओनली इंटरेस्टेड। इफ यू लुक कि उनकी फैमिली इंटरेस्टिंग होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट आगे जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है, कल को किसी को 3 आवर्स में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट कैंसल्ड। ये कॉन्ट्रैक्ट कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। आप कह नहीं सकते कि वो जीता है तो मेरे को पैसा सट्टा जो जितना भी है दैट इज इलीगल। आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। आज 50,000 की शर्त लगी है बट आप इसको लॉ में नहीं घसीट सकते कि मेरे को 50,000 नहीं दिए, इंडिया हार गया था इसने मुझे 50,000 नहीं दिए। दीज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर डन बाय गूंस, गूंस समझते हो, गुंडास, राइट? दे नो हाउ टू डू इट, हाउ टू टेक द मनी। ओके, लुक एट दिस एग्जाम्पल। ए इज टेलिंग बी दैट रेसलर नंबर वन विल विन बी चैलेंजेस, जब वो चैलेंज करेगा तभी दीज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल एमर्ज, राइट? दे बेट ईच अदर, बेट का मतलब बेटिंग कर ली, बेटिंग इज वेजरिंग। सो दिस इज काइंड ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट मीन्स डिपेंडेंट अपॉन फ्यूचर सिनेरियो इन टर्म्स ऑफ बेटिंग। इज इट क्लियर? सो सट्टेबाजी कॉन्ट्रैक्ट आर नोन एज वेजरिंग एग्रीमेंट। एनी एनी डाउट टू एनी वन? यस प्लीज टेल मी। No, ma'am. Wagering agreements are clear? Yes, ma'am. Okay, fine. Next.
कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ए इज सेइंग कि आई विल बी मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ बैंक विल
खत्म हो गया। हेलो, पहले पता नहीं मैम कहाँ चली गई। लिखा हुआ, पहले हाँ लिखा हुआ। पता नहीं मैम कहाँ चली गई। अरे बेटा, एवरीबॉडी लेफ्ट। मैम ऑल द क्लास हैज लेफ्ट। ओके, नाउ लॉग इन टू एमसीआरपी, योर टेस्ट हैज स्टार्टेड। सो लॉग इन टू एमसीआरपी, विल डिस्कस दिस कॉन्फ्रेंस।